महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे के आह्वान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना की नीति जमीनी तौर पर राजनीति के साथ जुड़ते हुए और जन मुद्दों को उठाते हुए शिवसेना तमाम राज्यों के अंदर चुनाव लड़ेगी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तारक दर्शन से शिवसेना जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर की तमाम विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसके लिए तमाम जिला इकाइयों को तमाम पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे के आह्वान पर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना तमाम राज्यों के अंदर जन मुद्दों को जमीनी तौर पर उठाते हुए जनता की जमीनी राजनीति तरफ उन्मुख करते हुए हर राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी, इसी कड़ी के अंदर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आगामी विधानसभा चुनावों में हर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी उतारेगी। देखिए, शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई लगातार जन मुद्दों को उठा रही है, लगातार जनता की सेवा के लिए अग्रसर है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भाजपा समेत तमाम पार्टियों ने जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ना तो जम्मू के अंदर जम्मू के साथ भेदभाव खत्म किया जा सका, ना ही कश्मीर के अंदर अभी तक अमन बहाली की संभव बनाई जा सकी है। वहीं हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी अभी वहां पर वापस कश्मीर के अंदर बसाना संभव नहीं बनाया जा सका। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर ये तीनों चीज़ें चरम पर हैं। दैनिक वेतनभोगी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही इस समय मनमाने पर उतारू है। देख, महाराजा गुलाब सिंह की जो डोगरा रियासत थी, उसको सोची समझी साजिश के तहत हमारी पहचान को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने तमाम शिव सैनिकों को 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के निर्देश दिए थे, और अब मैं मानता हूं कि समय आ चुका है कि 80% के साथ 20% को भी अंजाम में लाया जाए। यही हमारा कहना था कि हम आने आगामी विधानसभा चुनावों में अब शिवसेना हर सीट से अपने प्रत्याशी उतारेगी। जय हिंद, जय भारत, जय